सुबह सुबह मैंने एक अर्ज किया है तो सब बोलो वाह वाह। दिल में था अरमा लेट तक सोना मेरा, दिल में था अरमा लेट तक सोना मेरा, चौपट हो गया सुबह सुबह उठ के मेरा पोपट हो गया। जी हाँ, आज मैंने सोचा था कि आज मुझे लेट तक सोना है, मतलब देर से उठूंगी, लेकिन अचानक से कारेंट चली गई सुबह सुबह, तो गर्मी में कौन सोएगा। तो सब जब चले गए मुझे छोड़ के, नींद भी उठ के चली गई मुझे छोड़ के, तो मैं अभी फ़िलहाल जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं राही, और आप सब लोगों को स्वागत है मेरी न्यू व्लॉग में। मैं चाय पीते पीते बहुत ज़्यादा हिल डुलती हूँ, मतलब कोई भी काम करो शांत मुझसे नहीं होता है। तो मम्मी ना मुझे पास से बोल रही थी कि थोड़ी देर के लिए तो शांत बैठ के चाय पी ले, गर्म है गिर जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे तो अपना बस चालू हो जाना है जो भी है। चाय पीने के बाद मैं अभी इस आलू को छीलने वाली हूँ, तो लेट्स गो। आलू को जल्दी जल्दी छीलने के बाद मैंने इस आलू को मिडिल में से कट किया और प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया, क्योंकि ये आलू से हम लोग बनाने वाले हैं आज आलू का भरता। तो किचन का जो काम था, मुझे मेरा जो काम था वो मैं करके आ गई हूँ, और बाहर थोड़ा बादल छाए हुए हैं, बारिश दिखते हैं, मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं गिरेगी, लेट्स सी। तो आलू काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मतलब मुझे मैश करने में तकलीफ़ हो रही थी, और यहाँ पे मैंने आलू के भरते के लिए कुछ खास यूज़ नहीं करा है, सिर्फ प्याज़ है और मिर्ची है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरा आलू का भरता बिल्कुल रेडी है। तो आलू मश करना हो गया है मेरा, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे मेरी मिनी लंच कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसे कहते हैं हमारी बंगाली में आलू भाते, मतलब घी के साथ थोड़ा सा चावल और आलू का भरता, खाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आज मैं ये वाली आउटफिट पहनने वाली हूँ। तो खाना खाने के बाद डायरेक्टली मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। जब मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर कहीं पर भी जाती हूँ सुबह, तो मैं ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल सिंपल रहना पसंद है। ओकेशन आता है तो वो अलग बात है कि मैं मेकअप करती हूँ, बट वो भी फिर ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बिंदी लगाऊँगी और लिप बम लगाऊँगी, वॉच ले लूँगी एंड बॉडी स्प्रे, दैट्स इट, मैं रेडी। रेडी होके मैं निकल गई हूँ, तो अभी मुझे जाना है कॉलेज, और आज तो फिर से मेरा पोपट हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि आज बारिश नहीं गिरने वाली है, पर आज बारिश गिर गई है। मैं जो हूँ कॉलेज पहुँच गई हूँ, और अभी मम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं कॉलेज आ गई हूँ, वरना वो वरी करने में लग जाएगी। मम्मी को जो है मैंने फ़ोन कर दिया था और बोल भी दिया, तो अभी मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर, क्योंकि वहाँ पे ही मुझे काम है। गाइस, आज तो फिर से पपट हो गया, मतलब फिर से मतलब मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट्स है जो मैं लाना भूल गई, मतलब फिर से मुझे घर जाना पड़ेगा इतना दूर। तो मैंने ले लिया है मेरा जो डॉक्यूमेंट्स मुझे लेना था, और अभी मुझे भागना है रॉकेट की तेज से। बेकार में मेरे 20 रुपये चले गए, 40 रुपये चले गए, क्या ही कर सकते हैं। ट्रैफिक है और हमें जाना है लिफ्ट, लगता है आज जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, क्या हो रहा है भाई। फाइनली 7 समुंदर, मतलब इतनी सारी ट्रैफिक पार करके मैं कॉलेज में पहुंच गई, और मैं जल्दी जाती हूँ काम को फिनिश करती हूँ। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं जाने वाली हूँ अंकिता के घर, पास में ही है तो अंकिता के घर चलती हूँ। इतना सारा जाम है, hey!
हूँ अंकिता के घर है इस गली के अंदर, अब उसे फ़ोन करते हैं। मैंने और अंकिता ने मिलकर काफ़ी सारी बातें शादी कर लिया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है और अभी वक्त आता है घर पे जाने की, और लेट्स गो चलते हैं। मैं जो हूँ अंकिता के घर से निकल गई हूँ और अभी मुझे ढूंढना है टोटो, कहाँ पे मिलेगी ढूंढते हैं। हमें जो है टोटो मिल गई है और अंकल 20 रुपये लेंगे। कोई टाइम तो ठीक है, चलो क्लियर कर। बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छा खासा मौसम हो गया है बाहर, घर पे जाके सोने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। मैं घर पे पहुंच गई हूँ और मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा देखने में लग रहा है, मतलब आज का जो मौसम था उसकी वजह से। तो एक झलक आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं, लग रहा है ना एकदम हरा भरा। तो घर में जाऊंगी, खाना तो मैंने सुबह सुबह खाया था, घर में जाऊंगी, फ्रेश होंगी, खाना खाऊंगी और मस्त वेदर में सो जाऊंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक ही रखूंगी, मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मैंने जो है किचन का मेरा जो काम था, मतलब आलू को अच्छे से मस्ट क्या बोलते उसको कूटना नहीं